वनडे विश्व कप 2023 के 21वें मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर जीत अपने नाम कर ली। इस जीत के साथ भारतीय टीम के 10 अंक हो गए हैं और अंक तालिका में भारत शीर्ष पर पहुंच गया है। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वर्ल्ड कप मैच ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बता दें, इस मैच में विराट कोहली की शानदार पारी को देखने के लिए OTT प्लेटफॉर्म पर व्यूअरशिप का रिकॉर्ड टूट गया। इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार यानी OTT पर 4.3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लाइव देखा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, OTT पर अब तक किसी भी क्रिकेट मैच को इतने लोगों ने लाइव कभी नहीं देखा था। इससे पहले खेले गए अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल भारत में 3.2 करोड़ लोगों ने देखा था। इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 10 विकेट खोकर 273 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए डीरेल मिचेल ने सबसे ज्यादा 130 रन बनाए। रचिन रविंद्र ने 75 और ग्लेन फिलिप्स ने 23 रन का योगदान दिया। तो वहीं भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 5, कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिला। आगे आपको बता दें, भारत के लिए विराट कोहली ने 95 रन की पारी खेली, रोहित शर्मा ने 46, रविंद्र जडेजा ने नाबाद 39 रन बनाए, तो वहीं श्रेयस ने 33, राहुल ने 27 और गिल ने 26 रन का योगदान दिया। वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम अब तक कुल 9 बार आमने सामने आ चुकी है। भारत ने वर्ल्ड कप 2023 में लगातार 5वीं जीत हासिल की। बता दें, भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में कीवियों पर 20 साल बाद जीत हासिल की। इससे पहले 2003 में सेंचुरियन के मैदान पर कीवियों को 7 विकेट से हराया था। इस जीत से भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल के टॉप पर आ गई है। ऐसे में भारत के टॉप 4 में पहुंचने की संभावनाएं और मजबूत हो गई है। इस दौरान टीम को अब 4 में से 2 मैच ही जीतने होंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।